तो फिर हम उसी मार्ग की ओर फिर दोबारा बढ़ते हैं। वो व्यक्ति वहां से चला गया, दिन बीते और अब कुछ दिनों के बाद उसकी पत्नी बीमार हो गई। उसने डॉक्टर के पास लेकर जाकर उसका बहुत इलाज करवाया। दिन बीतते गए परंतु उसकी पत्नी की हालत में कोई सुधार नहीं था। जब बहुत दिन बीत गए तो एकाएक उसे ख्याल आया कि बड़े दिन पहले जब पुत्र की नौकरी नहीं लग रही थी, भगवान के आगे प्रार्थना की थी तो पुत्र की नौकरी लग गई थी। अब अपनी भक्ति को लेकर ये नए नए भक्त जो थे बढ़ चले प्रभु के द्वार। एक बार फिर मंदिर का द्वार खोला, प्रभु के आगे नतमस्तक हुए और अब कहने लगे, प्रभु मैं तुम्हारी सत्ता को मानता हूँ, मैं जानता हूँ कि तुम्हारी कृपा से ही मेरे पुत्र की नौकरी लगी है, परंतु अब एक और समस्या आ खड़ी हुई है। हे प्रभु, मेरी पत्नी बहुत बीमार है, अगर आप हैं तो फिर मेरी सहायता करें, मेरी पत्नी का स्वास्थ्य उसे प्रदान करें। मैं बस यही चाहता हूँ, अगर आप मेरी पत्नी को ठीक कर देंगे तो मैं आपको मानूंगा, मैं आपकी भक्ति करूंगा। आज फिर एक बार डिमांड रखी और वह भक्त जी वहां से चले गए। घर लौटे और अभी 3 दिन ही बीते थे कि उनकी पत्नी का देहांत हो गया, क्योंकि उसका समय पूरा हो चुका था, देहांत हो गया। और आज जैसे ही पत्नी का देहांत हुआ तो ये जो भक्त जी थे, नए नए भक्त बने थे, इन्होंने कंठी माला सब कुछ एक और किया और उलाहना दे दिया भगवान को, कैसा भगवान, मैं किसी भगवान को नहीं मानता, और फिर से नास्तिक बन बैठे। ये है अंधश्रद्धा भक्तजनों, जो अंधी भक्ति को जन्म देती है, जो भक्ति सुख दुख लेन देन की बैसाखियों पर टिकी है। और इस भक्ति का स्वर क्या होता है, इस अंधश्रद्धा का स्वर क्या होता है, मैं भगवान को मानता हूँ, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड। मैं भगवान को तब तक मानता हूँ जब तक मेरी इच्छा पूरी होगी, मैं भगवान की भक्ति तब तक करूँगा जब तक जो मैं चाहता हूँ वो पूरा हो, मैं भगवान के दर पर जाकर तब तक शीश झुकाऊंगा जब तक वो मेरी बात सुनते हैं। ये अंधश्रद्धा की भक्ति है, जिस अंधश्रद्धा ने आज हमारे अधिकांश समाज को घेरा हुआ है। हम भी ईश्वर के दर पर जाकर मन्नतें मांगते हैं, बाहर से वस्तुओं को मांगते हैं, जब तक वो वस्तुएं हमें मिलती है हमारी भक्ति टिकी है, और जैसे ही वो वस्तुएं वो परिस्थितियां हमारे प्रतिकूल होती हैं, तब फिर हमारी भक्ति डगमगा जाती है, बैसाखियां गिर जाती है और भक्ति लुढ़क जाती है। ये अंधश्रद्धा की भक्ति है। और इस अंधश्रद्धा की भक्ति का अंजाम क्या होता है, माता सती पहुंच गई दक्ष की सभा में। दक्ष की सभा में जाकर मन ही मन सोच रही थी कि मेरे परिवारजन मुझे देखेंगे, मेरे पिताश्री मुझे देखेंगे, इतने समय के बाद प्रसन्न हो जाएंगे, सारी कुंठा खत्म हो जाएगी। परंतु जैसे ही वहां प्रवेश किया, आज एक भी परिवार के व्यक्ति ने उनकी ओर देखा नहीं, सब भयभीत है दक्ष के कारण, कोई उनको पूछ ही नहीं रहा। और जब स्वयं दक्ष प्रजापति ने अपनी पुत्री सती को देखा तो उसका घोर अपमान कर उसका स्वागत किया, उसे कहने लगे, बिन बुलाए तुम यहाँ आ गई, बिन बुलाए तो कोई किसी स्थान पर नहीं जाता, तुम यहाँ पर मुंह उठाकर आ गई, ये महान यज्ञ हो रहा है, यहाँ पर तुम्हें ना ही तुम्हारे पति को आमंत्रण दिया गया है, चली जाओ यहाँ से। और आज जब अपने पिता के मुख से ऐसे भीषण स्वर सुने, सती उन्हें समझा रही है, उन्हें बता रही है कि आप जो सोचते हैं वो गलत है, ये सत्य नहीं है, वो तो देवों के देव महादेव है, उनका कोई बैर नहीं है आपसे, अपना अहंकार छोड़ दीजिए। परंतु आज दक्ष प्रजापति कुछ नहीं समझ पा रहा, उसका अहंकार सर चढ़कर बोल रहा है, हर मर्यादा को वो लांघता चला जा रहा है। और जहां सती अपने इस अपमान को सहती रही, अब रुख किया दक्ष ने महादेव की ओर, अनर्गल शब्दों से संबोधित किया, कभी कपाली, कभी अघोरी, कभी अशिष्ट कहकर उनको संबोधित किया। और तब माता सती अपने क्रोध को रोक नहीं पाई, उस समय माता सती ने अपना जगदम्बिका स्वरूप प्रकट कर दिया और उस यज्ञ में सभी को श्रापित कर दिया, दक्ष के अहंकार को नाश का वरदान उसको श्राप दे दिया।
आज माँ ने कहा तुम्हारे इस अहंकार के सर का मर्दन करने के लिए स्वयं महादेव आएंगे, चाहूं तो इसी क्षण तुम्हारा अंत कर सकती हूं, परंतु तुमने मुझे जन्म दिया है, इस देह को जन्म दिया है, परंतु केवल और केवल मात्र मैं सती तुम्हारी पुत्री नहीं, मैं इस जगत की जननी हूं, और अब तुम्हारा विध्वंस होगा, तुम्हारे अहंकार का विध्वंस होगा। उसके बाद माता सती, जिन्होंने अपने स्वामी का की अवज्ञा की थी, उनका अपमान सुना था, आज ग्लानि से भरकर उन्होंने योग अग्नि को प्रकट किया, और उस योग अग्नि में माता सती ने आत्मदाह कर लिया। जैसे ही माता सती ने आत्मदाह किया और ये सूचना महादेव को मिली, तो आज महादेव क्रोध में भर आए, क्रोध में भर कर आज उन्होंने अपनी एक शिखा को धरा पर पटका और वीरभद्र को आकार दे दिया। वीरभद्र को आज्ञा दी, जाओ और जाकर उस अहंकारी दक्ष का अंत कर दो, उसका सर धड़ से अलग कर दो। वीरभद्र पहुंच गया उस सभा में, और आज वीरभद्र ने किसी की ना सुनी, किसी को ना देखा, बस जाकर अपने कार्य को पूर्ण किया, दक्ष का सर धड़ से अलग कर दिया, चारों ओर हाहाकार छा गया, और तब उस सभा में प्रकट हुए भगवान महादेव स्वयं। आज जैसे ही महादेव ने अपनी पत्नी सती की उस जलती हुई देह को देखा, उनकी पीड़ा नेत्रों से अश्रु के रूप में बहने लगी, परंतु इन अश्रुओं में पीड़ा का ऐसा ताप था कि इन अश्रुओं का स्पर्श कर धरा थर्राने लगी। प्रभु ने माता सती की देह को अपने कांधे पर धारण कर लिया, और आज उस देह को लेकर पहुंच गए, बढ़ चले, और आज उन्होंने तांडव करना प्रारंभ कर दिया। एक एक थाप से धरा कंपायमान हो रही है, आज प्रभु रोष में है और घोर तांडव कर रहे हैं।
जय योगेश व्योमकेश जय जय महेश जय काशी नरेश जय गिरि भी आए साम भी आए जय शिव भी आए गौरी भी आए जय भूतनाथ शंभुनाथ जय अंबिका नाथ विश्वनाथ जय जय महेश्वर शशिखर विश्वेश्वर महाकालेश्वर जय 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 महाशिवाय महारुद्राय महाभीमाय जय नटराजाय त्रिपुरांतकाय वृषभारूढाय पंचवक्त्राय वीरभद्राय वहां प्रकट हुए थे। उस तारंगम वन में जब प्रभु प्रकट हुए, उन पाखंडी संतों ने देखा कि आज प्रभु हमारे समक्ष आए हैं हमें चुनौती देने। उन्होंने एक व्याघ्र को प्रभु की ओर छोड़ दिया। जैसे ही व्याघ्र को प्रभु की ओर छोड़ा, अपने एक नख से ही, अपने एक नख के चीर से ही उन्होंने पूरी व्याघ्र चर्म को अलग कर दिया और उस व्याघ्र चर्म को प्रभु ने धारण कर लिया। उसके बाद भी वह रुके नहीं, उन्होंने मंत्रों का उच्चारण करना प्रारंभ कर दिया और एक भीम काय दैत्य को प्रकट कर लिया। वो दैत्य को आज प्रभु की ओर छोड़ा, आज प्रभु के ने उस दैत्य के साथ युद्ध किया, उसके साथ युद्ध कर उसका अंत किया और तब प्रभु ने उसके पक्ष पर पहली बार तांडव किया था। नटराज रूप धारण कर ऐसा तांडव किया और चुनौती दे दी, खत्म कर दिया उस पाखंड के साम्राज्य को, ऐलान कर दिया कि जब जब भी वो अहंकार वो पाखंड बनेगा तब तब शिव का तांडव होगा और उसका विध्वंस होगा। आज प्रभु के तांडव ने चेतावनी दे दी चारों दिशाओं में। उसके बाद प्रभु माता सती की देह को लेकर इधर उधर भटक रहे हैं। जैसे ही भगवान विष्णु ने ये दृश्य देखा, भगवान विष्णु को सभी देवों ने,
सभी देवों ने कहा कि आप उनके वैराग्य को, उनके इस वैराग्य को भंग कीजिए, आप चलिए उनके इस मोह ग्रसित जीवन से उन्हें मुक्त कीजिए। और उस समय भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र को आदेश दिया, सुदर्शन चक्र बढ़ता चला गया और उसने माता सती के देह के टुकड़े टुकड़े कर दिए। वो सारे टुकड़े भारतवर्ष के अलग अलग कोनों में जाकर गिरे और असंख्य शक्ति पीठों का निर्माण हो गया। भक्तजनों, माँ की ये लीला, प्रभु की ये लीला क्या समझा रही है? वो प्रभु जो परम वैरागी है, वो प्रभु जो परम वैरागी है, आज मोह ग्रसित होने का, आसक्त होने की ये लीला क्यों कर रहे हैं? वह माता सती जो जगत जननी का स्वरूप है, वह ऐसी लीला क्यों कर रही है? आत्मदाह क्यों किया उन्होंने? समझना बहुत आवश्यक है। वह शिव और शक्ति का संग जो सनातन है, वो भंग कैसे हो गया? इसके पीछे एक गहन रहस्य और है जिसे हमें समझना होगा। ये गहन रहस्य क्या है? माता सती, उन्होंने आत्मदाह किया, अंधश्रद्धा की द्योतक बन गई, आत्मदाह किया और इस धरा पर ही हमेशा हमेशा के लिए स्थित हो गई, शक्ति पीठों के रूप में सचेत करने के लिए अपनी संतानों को, जगाने के लिए अपनी संतानों को कि मेरी संतानें जब इन शक्ति पीठों पर आए, शक्ति की आराधना करने आए, तो उन्हें स्मरण हो जाए कि इस जीवन का उद्देश्य उस शिव को पूर्ण रूपेण, उस ब्रह्म को पूर्ण रूपेण प्राप्त करना है। और उस ब्रह्म को प्राप्त करना अंधश्रद्धा से, तर्क वितर्कों से संभव नहीं है। उसको प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ो। उसको प्राप्त करने के लिए तुम्हें सती से पार्वती होने का सफर तय करना पड़ेगा। अंधश्रद्धा को छोड़कर, तर्कों वितर्कों को छोड़कर पूर्ण श्रद्धा बनने का सफर तय करना पड़ेगा। ये जगाने के लिए माँ ने हमें लीला की है। ये शक्ति पीठ, ये समस्त मंदिर, ये तीर्थ स्थल जहां पर हम जाते हैं, एक एक स्थल हमें आंतरिक यात्रा की ओर प्रेरित कर रहे हैं, आत्म तीर्थ की ओर प्रेरित कर रहे हैं। परंतु हम केवल इन बाहरी स्थानों तक ही सीमित रह गए, अंतर की यात्रा की ओर बढ़े नहीं। आज समझना होगा, बढ़ना होगा उस अंतर की यात्रा की ओर, क्योंकि अगर अंतर की यात्रा की ओर नहीं बढ़े तो जीवन का कल्याण नहीं है। भक्तजनों, माँ जिस उद्देश्य के कारण उन्होंने ये लीला की, वो सार्थक नहीं है। इसीलिए समझना होगा, इस संपूर्ण गाथा की गहनता को समझना होगा। जब उस समय माता सती की देह के खंड विखंड हो गए, महादेव उसके बाद समाधि की अवस्था में बैठ गए। अब चारों ओर, ग्रंथ बताता है कि सारी मर्यादाएं भंग होने लगी, चारों ओर आतंक का शासन छा गया। तारकासुर ने प्रभु की चुनौती को स्वीकार किया। उसने कहा, प्रभु अगर आपने मुझे चुनौती दी है कि आप मेरे साम्राज्य का अंत करेंगे, तो फिर अब ये भी तय है कि मैं कभी भी इस मानव को, आपकी संतानों को आपकी ओर बढ़ने ही नहीं दूंगा। मैं इन्हें ऐसा भ्रमित करूंगा, इन्हें ऐसा भ्रमित करूंगा कि ये कभी आपको पुकार ही नहीं पाएंगे, ये कभी आपकी ओर रुख ही नहीं कर पाएंगे। फिर किस प्रकार से आप समाधि से उठेंगे और किस प्रकार से आपका औरस पुत्र जन्म लेगा? आज तारकासुर ने ये चुनौती प्रभु को दे दी और उसके बाद चारों दिशाओं में उसने अपने आतंक का, ब्रह्म जाल का विस्तार कर दिया। कौन है ये तारकासुर? भक्तजनों, जो त्रस्त कर रहा था उस समय मानव जाति को, ये तारकासुर, ये आज के संदर्भ में भी बहुत गहरा रहस्य रखता है। ये गाथा आज की गाथा है, आज इसको समझने की आवश्यकता है, क्योंकि तारकासुर कौन है? तारकासुर, गत दिवसों में बहुत से असुरों के नाम आपने सुने, दुर्गम, महिषासुर, बहुत से दैत्य, मधुकैतव, इन सब के नाम से हम समझ गए कि ये कौन है। लेकिन तारकासुर का नाम बड़ा विचित्र है। तारकासुर का अर्थ क्या होता है? जो तारने वाला है, तारक, परंतु वो है असुर। क्या एक असुर किसी को तार सकता है? जो स्वयं ही निकृष्टता में पड़ा है, वो क्या किसी को उबार सकता है उस निकृष्टता से? लेकिन यही उसका ब्रह्म जाल था, यही उसका छलावा था,
वो लोगों को भड़काना चाहता था, भ्रमित करना चाहता था। उनके समक्ष उसने असंख्य ऐसे प्रस्ताव रख दिए। दूर दूर से लोग उसका नाम सुनते थे तो उसके पास आते थे, सोचते थे ये हमें तार देगा। परंतु जब वहां आते थे तो फिर जो मनमौजी थे वो तो उसके बनाए हुए व्यसनों की दुकानों में ही मग्न हो जाते थे, लेकिन जिनके भीतर कुछ श्रद्धा शेष थी वह त्रस्त हो जाते थे। वो तारक नहीं था, वो तारक की शक्ल में मारक था। वो कहता कुछ था लेकिन कर कुछ और रहा था। और अगर सूक्ष्म दृष्टिकोण से देखें तो ये तार का सुर कुछ और नहीं, ढोंग, आडंबर, झूठ, पाखंड, हिपोक्रेसी का द्योतक है, हिपोक्रेसी का द्योतक है। और आज इस तार का सुर के बारे में समझना बहुत रेलेवेंट है, बहुत आवश्यक है, क्योंकि आज हम समय के उस पड़ाव पर खड़े हैं जिस काल को ही एज ऑफ हिपोक्रेसी कहा जाता है। पाखंड का काल, ये काल कलिकाल है जिसमें पाखंड और झूठ ही पनपता है। अगर आज हमने नहीं समझा इस गाथा की गहनता को तो फिर ये कलिकाल हमारा ग्रास कर लेगा, अंत हो जाएगा हमारे जीवन का, अंत हो जाएगा इस सृष्टि का। आज टटोल कर देखिए, दृष्टिपात करके देखिए, चारों ओर जब देखेंगे तो हर सेक्टर में आपको पाखंड, हिपोक्रेसी देखने को मिलेगी। हर सेक्टर में, कोई भी सेक्टर उठा लीजिए, एनवायरमेंटल सेक्टर से शुरुआत करते हैं। एनवायरमेंटल सेक्टर, प्रकृति को संरक्षण करने की बातें, प्रकृति को संरक्षण करने के प्रस्ताव वो लोग दे रहे हैं जो सबसे बड़े पल्यूटर्स हैं, जो सबसे ज्यादा पॉल्यूशन करते हैं। वो सिखा रहे हैं कि वृक्षों को बचाओ, वो सिखा रहे हैं कि जीएचजीज को, ग्रीन हाउस गैसेस की इमिशंस को कम करो। पहला पाखंड, झूठ। पाखंड है क्या? हिपोक्रेसी की डेफिनेशन देखेंगे तो यही है कि आप दूसरे को कुछ प्रिस्क्राइब कर रहे हैं और अपने जीवन में कुछ और कर रहे हैं। दूसरे को दिखाने के लिए कुछ है और करने के लिए कुछ है। मुंशी प्रेमचंद की अगर शब्दों में मैं कहूं तो सिंह की खाल में गधे को उन्होंने पाखंड की संज्ञा दी। सदाचार की आड़ में कदाचार जो पनपता है वो है पाखंड। और देखिए एजुकेशन सिस्टम की ओर बढ़ते हैं। एजुकेशन सिस्टम में जो बातें पढ़ाई जाती हैं, वैल्यूज की बातें की जाती है, डिग्रीज हासिल करके डॉक्टर्स, इंजीनियर्स बनते हैं, लेकिन फिर शपथ लेते हैं कि समाज के कल्याण के लिए कार्य करेंगे, परंतु जब समाज में कार्य करने लगते हैं तो उस शपथ की आड़ में क्या करते हैं? कन्या भ्रूण हत्या, ऑर्गन ट्रेड जैसी समस्याओं को जन्म दे देते हैं। हिपोक्रेसी में तो जी रहे हैं हम। संस्कृति को भी आज एक खेल बना लिया है। संस्कृति से जुड़े त्योहारों को मनाते हैं। गत दिवस आपने सुना था कि दुर्गा की पूजा करते हैं, लेकिन उसी संस्कृति के नाम पर मिथ्याचार को भी फैलाते हैं। हमारे समाज में कन्या भ्रूण हत्या भी होती है, नारी का शोषण भी होता है। स्प्लिट पर्सनालिटी लेकर जी रहे हैं। हिपोक्रेसी हर ओर पनप रही है। मीडिया और एडवर्टाइजमेंट, सबसे बड़ा कम्युनिकेशन चैनल जिसने आज हमें सबको जोड़ा है, वो कम्युनिकेशन, वो मीडिया एंड कम्युनिकेशन ही सबसे ज्यादा पाखंड का विस्तार कर रहे हैं। ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स को मार्केटिंग स्ट्रेटजीज के साथ प्रमोट करते हैं, उनको देखकर हमें लगता है इनसे बढ़िया हेल्थ प्रोडक्ट कोई नहीं होगा। हर कोई जाकर उसे खरीदता है, परंतु जाकर उन लोगों से पूछिए, उन हेल्थ प्रोडक्ट्स को वो कभी खुद यूज नहीं करते। जब उन हेल्थ प्रोडक्ट्स पर, डाइट प्रोडक्ट्स पर शोध किया गया, तब उस शोध में पाया गया कि ये प्रोडक्ट्स जो क्लेम करते हैं कि ये शुगर फ्री है, इसके अंदर कोई भी कोलेस्ट्रॉल की मात्रा नहीं है, वही सबसे ज्यादा हानि पहुंचाते हैं, हार्ट अटैक्स कॉज करते हैं। ये शोध बता रहे हैं। हर चीज हमने झूठी अपने आसपास बना ली है। खबरें पढ़ते हैं लेकिन वो भी एक एंगल से दी जाती है, सत्य को पकड़ ही नहीं पाते। ये जिस समाज में हम जी रहे हैं, ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि हम एक ऐसी एज में, एक ऐसे काल में जी रहे हैं जहां पर हर ओर झूठ है और सच और झूठ में फर्क करना अत्यंत कठिन हो गया है। कि तार का सुर नहीं तो और क्या है? और विडंबना सबसे बड़ी ये है कि वह अध्यात्म का क्षेत्र, वह धर्म,
जिसने लोगों को सत्य से परिचित करवाना था, सत्य के बारे में बताना था, आज उस अध्यात्म के क्षेत्र में भी पाखंड ने प्रवेश कर लिया है। आज वहां पर भी धर्म की ऐसी ऐसी अपने हिसाब से परिभाषाएं बना दी गई हैं, शास्त्र ग्रंथों के ऐसे ऐसे अर्थ लगा करके बताए जाते हैं, इंसान को ईश्वर की ओर नहीं, उसको देह तक सीमित कर दिया जाता है, उसकी इच्छाओं लिप्साओं को पोषित करने के लिए उसे शॉर्टकट्स बताए जाते हैं। नतीजा क्या हुआ है? हमारा समाज धर्म की परिभाषा को ही भूल गया है। धर्म क्या होता है हमें पता ही नहीं, और हम मिथ्याचार में अपना जीवन बिता रहे हैं। हमारे लिए ईश्वर केवल और केवल मात्र एक सौदेबाजी, उसके साथ संबंध एक सौदेबाजी बन गई है। जैसे एक दुकान पर जाते हैं, वैसे ही ईश्वर के आगे भी जाकर उससे भी मांग करते हैं कि मुझे मेरे जीवन में ये मिल जाए, मुझे मेरे जीवन में वो मिल जाए। गुरुओं के पास जाते हैं और कहते हैं हमें हमारे जीवन में शीघ्र अतिशीघ्र सक्सेस मिल जाए, तो सामने से फिर वो गुरु भी ऐसे ही शॉर्टकट्स बताते हैं। कोई कहता है ये कर लो, कोई कहता है इस नाम का रट्टा लगा लो, कोई कहता है इस माला को पकड़ लो। कभी नहीं सोचते कि जिस सक्सेस को, दूसरों की सक्सेस को देखकर हम ये मांग कर रहे हैं, क्या उन्होंने सक्सेस किसी माला को फेरने से प्राप्त की, मेहनत की। सक्सेस मेहनत से, पुरुषार्थ से मिलती है। दैत्यों को वरदान भी तब मिले जब उन्होंने पुरुषार्थ किया, तो हमें ऐसे ही सक्सेस मिल जाएगी। सोचते नहीं है, हम स्वयं पोषित करते हैं इस अंधश्रद्धा को, इस पाखंड को, और फिर हमारी श्रद्धा जब लुटती है तो फिर हम रोते हैं। भक्तजनों, ये पाखंड जो हमारे चारों ओर विस्तृत हो गया है, ये तारकासुर जिसने हमारी समाज को कालिमा में धकेल दिया है, इस पाखंड के कारण ही, इस हिपोक्रेसी के कारण ही, कहीं किसी समस्या को देखकर हमने चुप्पी साधी है, कहीं पर कोई दुर्घटना घटती है, लोग चलते चले जा रहे हैं, ये हिपोक्रेसी है। अगर अध्यात्म के नाम पर कुछ भी अनर्गल परोसा जा रहा है, तो हमारी चुप्पी स्वीकृति का काम करती है और पाखंड पनपता रहता है। इसका नतीजा जानते क्या है? हर क्षेत्र में जो झूठ पनप रहा है, उसी झूठ ने जन्म दिया है हर क्षेत्र की समस्याओं को, चाहे वो कन्या भ्रूण हत्या हो, चाहे वो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम हो, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो ड्रग डी एडिक्शन कुछ भी हो, सब कुछ झूठ से जन्म ले रहा है। और अगर अध्यात्म के क्षेत्र में जो पाखंड पनप रहा है उसकी ओर देखें, तो उसकी वजह से विश्व की सबसे बड़ी समस्या जन्म ले रही है। जब धर्म की परिभाषा ही समाज भूल गया, वो धर्म जो इस समाज को अनुशासित करता है, जो इस समाज को सुगठित करता है, जब इस समाज में से धर्म निरपेक्षता के नारे उठने शुरू हो जाएंगे, जब लोग धर्म को ही बाहर निकालने की बातें करना शुरू हो जाएंगे, जब धर्म की परिभाषा को ही भूल जाएंगे, तो समाज विघटित हो जाएगा। समाज विघटित हो जाएगा, कंफ्यूजन्स पैदा होगी, और ऐसी कंफ्यूजन्स का ही फायदा उठाते हैं वो लोग फिर जो हमारे युवाओं को, हमारे समाज की युवतियों को पद भ्रष्ट करते हैं, ब्रेन वॉश करते हैं, और हमारे समाज में आतंकवाद का जन्म हो जाता है। चरम सीमा है ये इस अनर्गलीकरण का, चरम सीमा है आतंकवाद उसका। और आतंकवाद से हम सब त्रस्त हैं, विश्व की सबसे बड़ी समस्या है यह आतंकवाद, कोई समाधान नहीं निकाल पा रहा। 9/11 के हमलों के बाद यह आतंकवाद इतना बढ़ गया है, 4 गुना बढ़ चुका है, अटैक्स इतने बढ़ गए हैं कि आए दिन हमें खबरें सुनने को मिलती है, कभी फ्रांस में, कभी यूएस में, कभी टेक्सस में, कभी भारत में, कभी दिल्ली में, मुंबई में, हर त्योहार के दिनों में भय होता है, बाहर नहीं निकल पाते हम। सबसे बड़ी समस्या, इतना धन, इतनी सोच लगाई जा रही है कि ये समस्या खत्म हो, परंतु समाधान नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिल रहा? कैंसर की तरह लग गया है हमारे समाज की देह को ये आतंकवाद, कैंसर बनकर पनप रहा है। इतने प्रयास किए जा रहे हैं, इतनी सारी थेरेपीज की जा रही हैं कि आतंकवाद खत्म हो, एक आतंकवादी को पकड़ते हैं तो 10 आतंकवादी खड़े हो जाते हैं। रक्त बीज की तरह बढ़ रहा है ये कैंसर, रक्त बीज की तरह। आप सोच रहे होंगे ये रक्त बीज कौन है? रक्त बीज
माँ के तीन मुख्य चरित्रों में से जो उत्तम चरित्र है, शुंभ निशुंभ और रक्त बीज का वध किया था माँ ने उस उत्तम चरित्र को धारण कर। माँ ने जब शुंभ निशुंभ के साथ युद्ध ठाना, वासना और अहंकार के द्योतक थे वो शुंभ और निशुंभ, उन दोनों के साथ जब माँ ने युद्ध ठाना था तो उस समय युद्ध करते करते एक एक सैनिक को अंत खत्म करती चली जा रही है, आसुरी सेना का अंत करती चली जा रही है, शुंभ और निशुंभ के सारे वीरों का माँ अंत कर रही है, तभी एकाएक माँ का सामना होता है शुंभ और निशुंभ के सेनापति के साथ। जैसे ही सेनापति सामने आकर युद्ध करने लगता है, माँ अपनी खड़क से प्रहार करती है, परंतु ये क्या, जहां सभी दैत्यों का अंत हो जाता था माँ की खड़क से, आज जैसे ही माँ ने उस सेनापति उस रक्त बीज पर खड़क से प्रहार किया तो उसकी एक एक बूंद से असंख्य रक्त बीज पैदा हो गए, असंख्य रक्त बीज पैदा होने लगे। जैसे आज का आतंकवाद है, ऐसा ही स्वरूप उस रक्त बीज का था, एक रक्त की बूंद से असंख्य रक्त बीज पैदा हुए। तब माँ ने एक और बार प्रयास किया, एक एक करके वार कर रही है, परंतु जैसे जैसे एक एक रक्त बीज पर वार करती, वहां पर रक्त बीजों की अक्षौणी सेना खड़ी हो गई। उस रक्त बीज की सेना को देखकर आज माँ सोच में पड़ गई, आखिर ये कैसा दैत्य है। रक्त बीज जोर जोर से हंसने लगा, हे देवी, तुम युद्ध चाहती थी ना, तो आप मुझ रक्त बीज के साथ युद्ध करो। ये सैनिक तो सब साधारण थे, मुझ रक्त बीज का वध कोई नहीं कर सकता। एक एक रक्त की बूंद से एक नया रक्त बीज खड़ा हो उठता है, मुझसे युद्ध करके बताओ। तुम्हारा कोई भी वार मुझे खत्म नहीं कर सकता, क्योंकि तुम अपने वारों से मेरी शक्ति को बढ़ाओगी। आज जैसे ही महादेवी ने यह देखा, आज सभी रक्त बीजों की सेना को रक्त बीज ने आदेश दे दिया, वो देव सेना के साथ जाकर युद्ध करने लगा। चारों ओर अब हाहाकार छाने लगा, चारों ओर हाहाकार है, देव सेना अंत को प्राप्त कर रही है, देव प्रयास कर रहे हैं रक्त बीज को रोकने का, परंतु कोई रोक नहीं पा रहा। तब उस समय सभी देवों ने मिलकर माँ के चरणों में गुहार लगाई, माँ से प्रार्थना करने लगे, हे माँ हमारी रक्षा करो, हे माँ तुम फिर एक नवीन नित नया रूप लेकर प्रकट हो जाओ। कैसे आज वो माँ के समक्ष गुहार कर रहे हैं, आइए भक्तजनों से श्रवण करते हैं। भुवनेश्वरी जगपालिनी जगदीश्वरी महालक्ष्मी मल्लेश्वरी महामाई राजेश्वरी भागेश्वरी लोकेश्वरी योगेश्वरी शक्तिमुखी अम्बिकाय परमेश्वरी भैरवी मां भयतरणी मंडल देवी महाकाली दुःखकटालिनी वाली दुष्टमालिनी वाली भद्रकाली रुद्रकाली जग की जननी भद्रकाली रुद्रकाली जग की जननी। थल में तुमा फूल और फल में तुमा कर रक्षा हम सब की शुभ दर्शनी आरती हर दुर्गा अमृत वर्षिनी हर शूल चामुंडी सुखदायिनी ज्वालामयी क्रोध भरी न्यायकारी तू ही है माँ बुरी बला टाल दे माँ दृष्टि सब पे डाल दे माँ आचल खुशी से सबका तू भर दे माँ हम दीनों पर तू दया कर दे माँ झोली कृपा से दीनों पर तू दया कर दे माँ
जीवन बचाने वाली जीवन दायिनी, करुणामयी प्रेममयी वरदायिनी। धारी न्यायकारी शक्तिदायी नारायण दक्षायण सुतकारी परमेश्वर कनक दुर्गे भवानी सामने आमा, जीवन की डोर को जरा तू थाम ले मां। कनक दुर्गे भवानी सामने आमा, जीवन की डोर को जरा तू थाम ले आमा। हे गुहार की ऐसी प्रार्थना की तो एकाएक वहां पर अंधकार छा गया, चारों ओर काल रात्रि छा गई और उस समय उस घोर अंधकार में मां ने एक नवीन रूप धारण किया। बिखरे हुए केश, रक्त रंजित जीवा और एक हाथ में खड़क और दूसरे हाथ में खप्पड़ लेकर आज महाकाली के रूप में मां प्रकट हो गई। जय जय रक्त बीज संधारिणी असुर मर्दिनी मां, जय जय रक्त बीज संधारिणी असुर मर्दिनी मां, जय जय रक्त बीज संधारिणी असुर मर्दिनी मां, जय जय रक्त बीज संधारिणी असुर मर्दिनी मां।
रथ पर कर शस्त्र धारिणी दुष्ट दलनी जय मां। खड़ग रथ पर कर शस्त्र धारिणी दुष्ट दलनी जय मां। माँ ने रक्त बीज का वध किया और शुंभ निशुंभ के साम्राज्य का अंत किया। भक्तजनों, जिस समस्या से आज का हमारा समाज जूझ रहा है, ये आतंकवाद की समस्या, उसका उत्तर भी माँ इस ग्रंथ के माध्यम से, अपने काली स्वरूप के माध्यम से दे रही है। ये धर्म, ये आतंकवाद किस बेसिस पर पनपता है, इसका आधार क्या है? आज हमारे समाज में ये जो आतंकवाद का कैंसर लगा है, हर ओर विध्वंस हो रहा है, हर ओर ऐसी अनीति छा रही है। ये नहीं देखते आतंकवादी कि कोई बच्चा है, कोई महिला है, कोई वृद्ध है, उनको बस रक्त चाहिए, क्योंकि उनकी मानसिकता जो है वो पूर्ण रूप से विक्षिप्त हो चुकी है। नकारात्मक ऊर्जा का, नकारात्मक सोच का ऐसा प्रवाह है कि नस नस में नकारात्मकता प्रवाहित होती है। और इसका आधार क्या है? वह जो टेररिस्ट मास्टरमाइंड्स है, वो टेररिस्ट मास्टरमाइंड्स कैसे बनी? जब हमारे समाज में विघटन हुआ, हमारे समाज की इम्यूनिटी खत्म हो गई, प्रेम सौहार्द बंधुत्व खत्म हुआ, जब हर एक व्यक्ति सेल्फ सेंटर्ड हो गया, धर्म की परिभाषाएं अनर्गल होने लगी, धर्म क्या था इंसान भूल गया, तो उस समय कुछ लोगों के भीतर द्रोह पनपना शुरू हुआ और उस द्रोह ने उनके भीतर की सारी संवेदनाओं को सुखा दिया और वो बन गए टेररिस्ट मास्टरमाइंड्स, लो एनर्जी सेल्स, जिन्होंने इस समाज की देह में कैंसर, इस आतंकवाद को जन्म दिया। और भक्तजनों, जैसे ही ये टेररिस्ट मास्टरमाइंड्स बन जाते हैं, फिर धर्म के नाम पर इन्हीं टेररिस्ट मास्टरमाइंड्स ने क्या किया है? हमारे युवाओं का ब्रेन वॉश किया है, समाज के लोगों का ब्रेन वॉश कर रहे हैं। युवा जो है, पढ़े लिखे युवा उठ कर जा रहे हैं और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को ज्वाइन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे समाज में जब धर्म की परिभाषा ही खत्म हो गई, जब धर्म के नाम पर मिथ्याचार पनपने लगा, आडंबर पनपने लगे, तो स्टडीज बताती है कि हमारा युवा वर्ग, उसके मन में डिसइंटरेस्ट है, वो रिलीजन को कुछ नहीं समझते, वो उनके भीतर इतना डिसइंटरेस्ट है कि वो धर्म को छोड़ रहे हैं। और धर्म के नाम पर उठने वाली कुरीतियों की वजह से हमारे समाज के कुछ इंटेलेक्चुअल्स हैं जो कहते हैं धर्म निरपेक्ष समाज का निर्माण करो, धर्म को निकाल दो, इसी की वजह से सारी समस्या है। नहीं, समस्या इसलिए नहीं है कि धर्म निरपेक्ष समाज चाहिए, ये समस्या नहीं है हमारी। धर्म के नाम पर जो झूठ पड़ रहा है, जो झूठी परिभाषाएं पक रही हैं, जो लोगों को ब्रेन वॉश किया जा रहा है, उसको खत्म करने की आवश्यकता है। उसे धर्म को निकाल करके नहीं किया जा सकता, धर्म को स्थापित करके किया जा सकता है। उन युवाओं को कहा जाता है, छोड़ो, अगर तुम अपने जीवन से डिससैटिस्फाइड हो, अपनी गवर्नमेंट से डिससैटिस्फाइड हो, अपने समाज से डिससैटिस्फाइड हो, तो आओ हमारे पास आओ, हम धर्म की क्रांति की जंग कर रहे हैं। भक्तजनों, इस मंच से उन युवाओं को और इस समाज को बताना चाहते हैं हम कि धर्म की धरातल से क्रांति अवश्य उठती है, परंतु कब? धर्म का पहला आदर्श है अहिंसा परमो धर्मा। वो उस आदर्श को पकड़कर तब तक आगे चलता रहता है जब तक अति नहीं हो जाती। जब सामने से आतंकवाद पनपने लगे, तब धर्म की धरातल से क्रांति जन्म लेती है, परंतु धर्म से धरातल से जन्मी हुई क्रांति अलगाव को जन्म नहीं देती, वो कत्लेआम नहीं चाहती, वह कुरीतियों का अंत करने के लिए जन्मती है। और जो क्रांतिकारी होते हैं, जो धर्म की पताका को लेकर आगे बढ़ते हैं, वो अपनी कुर्बानी देना पहले रखते हैं, इससे पहले कि दूसरे का अंत करें। इतिहास के पन्ने पलट कर देखें, महासमर का युद्ध, उस युद्ध से पहले भगवान श्री कृष्ण कई बार गए और संधि पर प्रस्ताव रखा, परंतु जब संधि प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया, आतंक बढ़ता गया, तब उन्होंने महासमर लड़ा।
समय जब प्रभु श्री राम और रावण का युद्ध हुआ था, तब भी तो प्रभु श्री राम ने इतने अंगद को भेजा, हनुमान जी को भेजा, संधि के लिए भेजा, समझाने के लिए भेजा, परंतु जब रावण नहीं समझा तब युद्ध अनिवार्य बन गया। वो क्रांति की जंग थी जिसके बाद शांति की स्थापना हुई। ये जो जंग हो रही है जिसमें मासूमों का कत्लेआम हो रहा है, ये क्रांति की जंग नहीं है, ये कोरा आतंकवाद है। धर्म की परिभाषाओं का गलत प्रयोग है, धर्म की गहराई को ना समझने की का नतीजा है। इसीलिए आज अगर समाज को बचाना है, अगर हमारे समाज से इस आतंकवाद को खत्म करना है, तो फिर इस आतंकवाद की जड़ वो जो कलुषित मानसिकता है जिसने आतंकवाद को जन्म दिया है, वो आतंकवादी मानसिकता, वो नकारात्मक सोच, वो रॉन्ग डेफिनेशंस, उनको खत्म करना होगा। उनको खत्म करने के लिए हमें इस समाज को जानना होगा कि वास्तविक धर्म क्या है। धर्म, आप कहेंगे हम जानते हैं बहुत से धर्म हैं हमारे देश में, इस विश्व में, परंतु भक्त जनों, बहुत से धर्म कब से हो गए? हमारे महापुरुषों ने, भगवान श्री कृष्ण ने तो उद्घोष किया, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। उन्होंने कहा कि जब जब धर्म की हानि होगी, जब जब धर्म खत्म होगा, तब तब मैं इस धरा पर आऊंगा, इस धरा का उत्थान करने के लिए, उस धर्म की स्थापना करने के लिए। माँ ने कहा, इत्थं यदा यदा बाधा दानवोत्ता भविष्यति तदा तदा वतीर्यहं करिष्यामिर न संशयः। उन्होंने कहा जब जब इस धरा पर दानवी बाधा उपस्थित होगी, तब तब मैं आऊंगी इस धरा का उत्थान करने के लिए। परंतु उन्होंने कहीं ये तो नहीं कहा जब जब इस धर्म की हानि होगी, जब इस मत की हानि होगी, उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। हमारे महापुरुषों ने भी यही बात कही कि जब जब धर्म की हानि होगी, तब तब हम वैकुंठवासी इस धरा पर आएंगे इस पाखंड को खत्म करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए। भक्त जनों, उन्होंने 2-4-5 धर्मों की बात नहीं की, उन्होंने एक धर्म की बात की। वो एक धर्म क्या है उसे जानना होगा। जब तक हम 4-5-6 धर्मों में बटे रहेंगे, तब तक विवाद उत्पन्न होंगे, तब तक हमने धर्म की परिभाषा को नहीं जाना। इसलिए धर्म की परिभाषा को जानना अनिवार्य है, और धर्म की परिभाषा स्वामी विवेकानंद जी ने एक वाक्य में दे दी। उन्होंने कहा, रिलीजन इज रियलाइजेशन ऑफ गॉड, उस ईश्वर का साक्षात्कार, यह है धर्म। वो ईश्वर जो इस संपूर्ण सृष्टि को बांधने वाले एक सूत्र है, कण-कण में स्थित है, जब उस ईश्वर को एक इंसान के भीतर प्रकट कर दिया जाता है, तो उसकी नकारात्मकता का समूल अंत होता है, और मां काल रात्रि वह धर्म का द्योतक बनकर आती है। उस धर्म को वो कालिका बाहर भी प्रकट हुई थी, लेकिन जब एक सतगुरु आते हैं तो वह उस कालिका को मानव के अंतर में प्रकट करते हैं, जिसकी मानसिकता विक्षिप्त हुई है, वो जो आतंकवाद की गर्त में बढ़ रहे हैं, जब उनके भीतर वो धर्म प्रकट होता है, आतंकवादी मानसिकता का हरण करती है, उस कालिमा को मां हर लेती है, और तब साफ स्वच्छ चरित्र उभर कर आता है। भक्तजनों, इसी धर्म के प्रकटीकरण की आवश्यकता है हमारे समाज को आज, और ये एक कोई मात्र थ्योरी नहीं है। सतगुरु सर्वश्री आशुतोष महाराज जी ने जब दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की नींव रखी, तो उन्होंने इसकी नींव आतंकवाद की इन परिस्थितियों के भीतर ही रखी थी। जब 1980 के दशक में पंजाब आतंकवाद की ज्वालाओं में झुलस रहा था, सब लोग वहां से पलायन कर रहे थे, उस समय सद्गुरु सर्वश्री आशुतोष महाराज जी ब्रह्म ज्ञान की खड़ग को लेकर, जो कालिका की खड़ग है, उस खड़ग को लेकर उस पंजाब की भूमि पर उतरे थे। महाराज जी ने उस समय पदभ्रष्ट होते युवाओं को धर्म की सही परिभाषा बताई, शास्त्र ग्रंथों में दिए हुए धर्म के अर्थ से उन्हें परिचित करवाया, और उनके भीतर उस धर्म का प्रकटीकरण कर दिया, उस कालिका को प्रकट कर दिया। और तब उन युवाओं ने, जिन्होंने हाथ में स्टेन गन्स उठा ली थी, उन्होंने वो स्टेन गन्स छोड़ी, उस आतंकवादी मानसिकता को छोड़ा, और बढ़ चले समाज निर्माण की ओर।
मारज श्री के इस अनुदान की वजह से उन्होंने जब इस क्रांति को पंजाब की भूमि पर छेड़ा तो पंजाब को आतंकवाद मुक्त किया। उसके बाद एक प्रोस्पेरिटी का एरा शुरू हुआ वहां पर, और आज भी दिव्य ज्योति जागृति संस्थान विश्व भर में इसी ब्रह्म ज्ञान को प्रदान कर रहा है, इस आतंकवादी इस क्रिमिनल माइंडसेट से लड़ रहा है। जाकर देखिए तिहाड़ जेल में, वहां देश के हार्डकोर क्रिमिनल्स आते हैं और दिव्य ज्योति जागृति संस्थान का अंतर क्रांति प्रकल्प महर्षि ने वहां से प्रारंभ किया, अपने प्रचारकों को भेजा और वहां उन जेलों में जो हार्डकोर क्रिमिनल्स हमेशा वायलेंस के बारे में, प्रतिशोध के बारे में सोचते थे, महर्षि ने ब्रह्म ज्ञान प्रदान कर धर्म का प्रकटीकरण उनके भीतर कर उनकी उस मानसिकता को ही परिवर्तित कर दिया और उन्हें समाज को खत्म करने वाले उन वायलेंस से, उस वायलेंस से उठाकर समाज के सुधारकों में परिवर्तित कर दिया, समाज सुधारक के रूप में उन्हें आगे बढ़ा दिया। आज वही लोग समाज कल्याण के लिए बहुत से कार्य कर रहे हैं। आप देख सकते हैं हमारी वेबसाइट पर, आप विजिट कर सकते हैं तिहाड़ जेल से जो हमने अंतर क्रांति प्रकल्प प्रारंभ किया, आज वो देश की 40 जेलों में बंदियों का सुधार कर रहा है और भारत सरकार ने इसी काम को देखकर दिव्य ज्योति जागृति संस्थान को शौर्य पुरस्कार से सुशोभित किया, क्योंकि जो कार्य वो नहीं कर पा रहे थे दिव्य ज्योति जागृति संस्थान ने ब्रह्म ज्ञान प्रदान कर दिया। भक्तजनों, इस ज्ञान की शक्ति है, ये ज्ञान ही है जो समाधान लेकर आएगा, ये ज्ञान ही है जो इस युग में भी उस तारकासुर का अंत कर सकता है। उस समय जब तारकासुर का आतंक व्याप्त हुआ था, उस समय भी ब्रह्मदेव ने सभी देवों को यही कहा था, शक्ति का आवाहन करो। वो सब ध्यान में बैठ गए, माँ शक्ति को बुलाने लगे और माँ शक्ति उनके इस पुकार को सुनकर प्रसन्न हुई। मणिद्वीप धाम से आज माँ ने उद्घोष किया कि बस अब तुम्हारी प्रतीक्षा खत्म होने वाली है, अब मैं स्वयं पार्वती रूप धारण कर तुम में से एक के घर में जन्म लूंगी। आज जैसे ही सभी देवों ने यह आकाशवाणी सुनी, सोचने लगे आज माँ किसके घर में जन्म लेगी, मन ही मन माँ का धन्यवाद कर रहे हैं और आपस में विचार विमर्श कर रहे हैं, माँ हम में से किसके घर में जन्म लेगी। उस समय माँ इतनी प्रसन्न थी कि आज अपना संपूर्ण श्री विग्रह लेकर देवों के समक्ष प्रकट हो गई। जैसे ही माँ देवों के समक्ष प्रकट हुई तो आज देवों ने माँ को अपने समक्ष देखा, सभी दंडवत प्रणाम करने लगे और उस समय माँ ने कहा, समस्त देवों बस अब तुम्हारी प्रतीक्षा की घड़ियां खत्म होने वाली है, मैं पार्वती बनकर जन्म लूंगी और पार्वती के रूप में ऐसा तप करूंगी, भगवान शिव को उनकी समाधि से उठाऊंगी और फिर उस तारकासुर का अंत अवश्य होगा। उस समय सभी देवों ने पूछा, माँ आप किसके घर में जन्म लेंगी। तब माँ ने कहा, हिमालय राज, हिमालय राज तुम कहाँ हो। हिमालय राज उन देवों की भीड़ में कहीं पीछे खड़े थे, हिमालय राज को आज सबने मार्ग दिया, हिमालय राज आगे आकर खड़े हो गए, माँ के चरणों में नतमस्तक हुए और माँ ने कहा, हिमालय राज मैं आपके घर में पार्वती आपकी पुत्री बनकर जन्म लूंगी। हिमालय राज के नेत्रों से अश्रु धारा प्रवाहित होने लगी, वो कहने लगे, मुझ में तो कोई गुण नहीं है माँ, आप मेरे घर में जन्म लेंगी, आपने मेरे जीवन को धन्य कर दिया, आपने मेरे जीवन को धन्य कर दिया। उस समय हिमालय राज ने माँ के चरणों में एक आग्रह रखा, माँ को कहा, माँ आप मेरे ग्रह में जन्म लेंगी, इससे बड़ा सौभाग्य कुछ और नहीं हो सकता, परंतु आज चारों ओर इतना आतंक है, इतनी समस्या, इतनी परेशानी है, मेरे मन में बहुत से प्रश्न उठते हैं, हे माँ क्या आप मेरे प्रश्नों का उत्तर देंगी। माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, अवश्य हिमालय राज, आज जो प्रश्न आप करने जा रहे हैं वो आने वाले कालों में भी मानव जाति को लाभ प्रदान करेंगे, उनका मार्गदर्शन करेंगे, इसे पूछे कौन से प्रश्न पूछना चाहते हैं, आज अपना हर प्रश्न पूछ लीजिए। भक्तजनों, उस समय हिमालय राज ने जो वार्ता की महादेवी के साथ, वही हमारे इस ग्रंथ में श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में देवी गीता के रूप में लिखी है। माने स्वयं उन प्रश्नों के उत्तर दिए जो हमारे इस भ्रमित समाज को, जिसे धर्म की परिभाषाओं का अनर्गल मतलब बनाकर बताकर भ्रमित किया गया है,
उसे सही दिशा दिखा रहे हैं। मत मतांतरों आडंबरों में जिसे कैद किया गया है उसे दिशा प्रदान कर रहे हैं। इसीलिए अगर आज के समय के तारकासुरों का अंत चाहते हैं तो इस भाग को बहुत ध्यान से सुनिएगा। आज हिमालय राज माँ के समक्ष खड़े हैं और माँ को कहते हैं, माँ आपका निवास स्थान कहाँ है, आप कहाँ निवास करती हैं, कहाँ जाकर आपको प्राप्त किया जा सकता है। हम भी तो यही प्रश्न करते हैं, तीर्थ में जाएं, मंदिर में जाएं, इस शक्तिपीठ में जाएं, उस शक्तिपीठ में जाएं, कोई हमें कहता है यहाँ जाओ, कोई हमें कहता है वहां जाओ। आज माँ अब उत्तर दे रही है, माँ कहती है, ना हम तीर्थे ना कैला से वैकुंठे वाना करिचित वसामी किंतु मज ज्ञानी हृदयं भोज मध्य में। माँ कहती है, ना मैं तीर्थों में हूँ, ना मैं कैलाश में हूँ, ना मैं वैकुंठ में हूँ, मैं इनमें से किसी भी जगह पर नहीं हूँ, मैं तो अपने ज्ञानी भक्तों के हृदय में सदैव वास करती हूँ। जैसे ही हिमालय राज ने सुना ज्ञानी भक्तों का हृदय, ज्ञानी भक्त बोला माने कोई साधारण भक्त नहीं बोला, क्योंकि आज भक्त होने का क्लेम सब करते हैं। तारकासुर भी कहता था मैं भक्त हूँ, इसलिए उसके हृदय में वास नहीं करती। माँ बता रही है ज्ञानी भक्तों के हृदय में वास करती हूँ। हिमालय राज ने कहा, माँ ये ज्ञानी भक्त कौन होते हैं? जिसने शास्त्र ग्रंथ पढ़ा है क्या वो ज्ञानी है? जिसने सारी किताबों को टटोल कर देख लिया, गीता को कंठस्थ कर दिया, क्या वो ज्ञानी है? हमारे मन में भी प्रश्न उठता है। माँ कहती है, ज्ञानी वो है जो मेरे वास्तविक स्वरूप को जानता है। ज्ञानी भक्तों के हृदय में मैं वास करती हूँ। ज्ञानी भक्त मेरे वास्तविक स्वरूप को जानते हैं और उनके हृदय में मैं वास करती हूँ। कोई बाहरी, ये जो हम भौतिक स्तर पर कहते हैं हार्ट, उस हार्ट में नहीं, उस हृदय में नहीं, ये हृदय आध्यात्मिक हृदय है, ये वाला स्थल जिसे दिव्य चक्षु, दिव्य नेत्र, दशम द्वार, हृदय गुहा कहा जाता है। माँ कहती है, इस हृदय में मैं वास करती हूँ, उनके जो मेरे वास्तविक स्वरूप को जानते हैं। अब हिमालय राज ने कहा, माँ आपका वास्तविक स्वरूप क्या ये नहीं है जो मैं देख रहा हूँ? हम भी मूर्ति में देखते हैं और उसी को स्वरूप मानते हैं। कालिका की पूजा करते हैं तो हमें लगता है काली माता ही यही स्वरूप है जो दिख रहा है, लेकिन माता कहती है, नहीं ये मेरा वास्तविक स्वरूप नहीं है, मैं तो ज्योतियों की ज्योति शुभ्र ज्योति हूँ, तच्चुभ्राम ज्योति ज्योतिषाम ज्योतिस्तत आत्म विदो विदुहु, और मैं इस हिरण्यमय परे कोशे विरजं ब्रह्म निष्कलम, इस हिरण्यमय परे कोश में अपने उस ज्योति स्वरूप में निवास करती हूँ, और ज्ञानी भक्त इस हृदय गुहा में प्रवेश कर मेरे उस ज्योति स्वरूप को जानते हैं। अर्जुन को भी भगवान श्री कृष्ण ने यही बात कही थी, पार्थ मैं ये नहीं हूँ जो तू देख रहा है, मैं मेरा वास्तविक स्वरूप तो ज्योतियों की ज्योति अखंड ज्योति है, ज्योतिषाम अपि तज्ज्योति तमसा परमुच्यते, जो ज्ञान द्वारा जानी जाती है, मैं ज्योतियों की ज्योति हूँ। ये माने अपना वास्तविक स्वरूप भी बता दिया आज हिमालय राज को। अब हिमालय राज ने कहा, मैं आपका ज्ञानी भक्त कैसे बन सकता हूँ, कैसे आपके वास्तविक स्वरूप को जान सकता हूँ? उस समय माँ ने कहा, अगर तुम मेरे वास्तविक स्वरूप को जानना चाहते हो तो एक ही मार्ग है, एक ही युक्ति है, गृहित्वा मम मंत्राण वही सद्गुरो हो सुसमाहिता। आप जाकर खोल कर देख लीजिएगा श्रीमद देवी भागवत महापुराण का सप्तम स्कंध, उसमें आपको ये सारे श्लोक जो महादेवी ने स्वयं कहे वो मिल जाएंगे। कसौटी है ये कि ज्ञान क्या होता है। माँ ने कहा, अगर मेरे इस वास्तविक स्वरूप को जानना चाहते हो तो जाओ एक सद्गुरु की शरण ग्रहण करो। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में यही कहा था, तद्विदी प्रणीपातेन परिप्रश्नेन सेव्या उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः, कि जाओ जाकर एक तत्वदर्शी गुरु की शरण में जाकर प्रणाम करो और उनसे कहो कि मुझे ज्ञान दे दो। जब उनसे ज्ञान की मांग करोगे तो वह तुम्हें मेरे वास्तविक स्वरूप के दर्शन करवाएंगे। और भक्तजनों, सारी समस्या यही खड़ी हो जाती है कि कौन सा गुरु सच्चा गुरु है, यही पर पाखंड का प्रवेश हो जाता है। समझ नहीं पाते कौन से गुरु के पास जाएं और कौन से गुरु का सान्निध्य प्राप्त करें। तो वह प्रभु
व माता इसका भी निवारण करती है। सतगुरु की पहचान हमारे शास्त्रों में दी गई, अलग अलग शास्त्रों में दी गई, और भगवान शिव एक सतगुरु की कसौटी बता रहे हैं। हम सोचते हैं एक सच्चा गुरु, एक सच्चा संत कौन होगा? जिसने भगवा वस्त्र धारण किया है वही सच्चे संत है। परंतु भूल जाते हैं कि रावण माता सीता का हरण करने आया था।